नमस्कार दोस्तों, राधा मोहन के आने वाले एपिसोड में जहां आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से दामनी और दामनी की माँ आखिरकार उस बात को करती हुई नजर आती हैं कि किस तरीका से रात गुजार रहे हैं राधा और मोहन। अब हमको इन दोनों को अलग करना पड़ेगा। जी हां, क्योंकि अलग करने की इस समय कड़ी साजिश रचती हुई नजर आ रही है आप लोगों के बीच में दामनी। दामनी का ये कहना है कि किसी भी तरीका से मैं मोहन जी को, जो कि राधा के पास, नहीं सोने दूंगी। आप लोग जानते ही हैं कि एक ही चीज़ शेयर कर रखी है दोनों ने, एक ही रूम शेयर कर रखा है, और हर हालत में दामनी को अपना टारगेट कंप्लीट करना है। क्योंकि दामनी का मतलब ये है कि अब वो गुनगुन को भी फाइनली इस घर से निकालने के लिए बड़ी साजिश कर रही है। और गुनगुन को इसलिए इस घर से निकालना चाहती है क्योंकि गुनगुन साथ देती हैं पूरी तरीका से, और गुनगुन जो साथ देती हैं वो राधा का ही देती हैं। क्योंकि राधा को इसलिए साथ देती हैं क्योंकि राधा के साथ में फ़िलहाल कोई नहीं है, और गुनगुन को एक अच्छी चीज़ भी लगती है राधा का साथ रहना। लेकिन दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं कि राधा का साथ रहना इतना भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि राधा को वो चाहती हैं कि मेरे पापा के साथ में सही रहें। वहीं दामनी की बात की जाए तो दामनी अब राधा और साथ में गुनगुन दोनों को ही इस घर से निकालने के लिए प्लानिंग बना रही है। हालांकि तुलसी सुन लेती है उनकी प्लानिंग को, और तुलसी बता देती है क्योंकि तुलसी को पता है कि दामनी शांत नहीं बैठ सकती, दामनी कोई ना कोई गेम अवश्य खेलेगी। इसलिए दामनी अब बताती हुई नज़र आती है राधा को कि राधा ये एक प्लानिंग कर रही है इधर दामनी। क्योंकि दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि दामनी हमेशा से ही कोई ना कोई प्लानिंग करने में पूरी तरीका से एक्सपर्ट है। क्योंकि दामनी की बात की जाए तो दामनी का मतलब ये है कि इस घर से मैं पहले तो गुनगुन को निकालूंगी, और जब गुनगुन नहीं रहेगी तो राधा क्या करेगी। साथ ही दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।